यहाँ मोदी जी का आना हो गया, उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ प्रोग्राम उनका बन गया, हिसार का बन गया और भिवानी का बन गया था। भिवानी चौधरी ओम प्रकाश जी के बेटे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ मोदी जी आए तो ज़बरदस्त भीड़ थी। ऐसी रैली हिसार में कभी नहीं हुई जो उस टाइम 2009 के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव में हुई थी। ओके और उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उसको पर्सनल टच दिया उन्होंने कि भाई संपत सिंह के साथ मेरे क्या ताल्लुकात हैं, क्या रिलेशन है, ये कैसा आदमी है, मेरे व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने लोगों को बताया और लोगों को बहुत खुशी हुई। और उस दिन हमारी जीत जो है ना 100% पक्की हो चुकी थी। ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या उनके परिवार से कोई आया नहीं, यहाँ न आने का इतना बड़ा अर्थ निकाल लेंगे मुझे नहीं मालूम था। मैं तो सीधा अपनी जो यहाँ हाजरी थी उसको देख के मैं तो खुश हो रहा था, आगे चुनाव के लिए बढ़ना था। बाद में चौटाला जी का टेलीफोन आया कि संपत मोदी भी होने नहीं आए, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैंने कहा चौधरी साहब मैं कोई गड़बड़ नहीं करता, ना मेरी कोई आदत ऐसी, लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि अब आप भिवानी जा रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कोई न कोई गड़बड़ है, कहने लगा क्या अंदाज़ा था, मुझे उनके दिमाग में यही थी कि कोई भिवानी से मुझे लेने आता। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी सपोर्ट के लिए आता, ओके भाई मुझे रिसीव करने के लिए कोई आता यहाँ से तो मैं भिवानी चला जाता, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा। ओके तो उसमें कोई चौटाला जी के कोई जो रिप्लाई था वो कोई इतना बढ़िया नहीं था। उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई इसकी इतनी हैसियत होगी क्या है, वो तो वक्त करता है हैसियत किसकी पता नहीं कब बढ़ जाए। उस टाइम थी क्योंकि मोदी का नाम का सिक्का चल रहा था, बाद में भी चल रहा है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, तो चाहे हम उनके खिलाफ़ हैं लेकिन हकीकत तो थी। हाँ वो पावरफुल आदमी तो है ही। वो चले गए। तो उसके वजह से क्या हुआ बाद में कि बहुत लोग ऐसे थे जो कान भरने वाले लोग होते हैं पार्टियों में, ये हमेशा जो है लीडरशिप में कमी रही है, जो ज़्यादा कान के कच्चे होते हैं या बिल्कुल सोच विचार के नहीं काम करते। सब ने ये कर दिया कि भाई संपत सिंह ने नहीं आने दिया, वो नहीं आने दिया, फलाना नहीं आने दिया, ऐसे लगे रहे लोग। अल्टीमेटली जो है सबसे ज़्यादा लॉस मुझे हुआ बोनी खेड़ा में, क्योंकि बोनी खेड़ा भिवानी में पड़ता है, ज़िले में हल्का पड़ता था यहाँ हिसार ज़िले में। तो वहाँ के जो भी मुख्य आदमी थे शिवगाम के या छोटा सा कस्बा बोनी खेड़े के, वो सारे लोग भिवानी चले गए थे। अब उनको बुलाया गया था या चले गए थे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए नहीं बचे थे वो काम करने के लिए उस दिन सेम डे को। और इसी तरह से काफ़ी जगह से जो है ना लोग भिवानी चले गए। तो अल्टीमेटली 6000 कुछ वोटों से हम हार गए। ओके हारने के बाद चौटाला जी ने कहा कि संपत, मुझे नहीं सबको कहा सारे कैंडिडेट्स से कि हमारी हार क्यों हुई। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी जहाँ मीटिंग लेते थे 9 हल्के थे अलग अलग जगह, और वहाँ लोग जो है खुल के बोल रहे थे। तो किसी ने कहा कि संपत सिंह बुला रहा है और उनको दिमाग के अंदर ये गलतफहमी पैदा की गई कि मैं कुछ कर रहा हूँ वर्कर्स को, और वो चौटाला जी के खिलाफ़ बोल रहे थे, ये हो गया जी, वो हो गया, फलाना हो गया, ये मतलब जैसी बातें थी उनके उस वक्त की बात है। उन चीज़ों में उन्होंने बुरा माना कि ये तो तुम ऑर्गेनाइज करा रहे हो, अब मेरा मैं 9 हल्कों में ऑर्गेनाइज क्या करूँ। बेस तो देखो लोकदल का ही था और लोकदल के वो लीडर थे, तो पहली चॉइस तो उनके लिए वही थे। लेकिन जो लोग जो कह दिया गया अभी सच बोलना है तो लोग सच बोलने लग गए। उसके और बाद में हमारे यहाँ स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई, सार में हुई थी, तो मैंने वो पॉइंट्स बनते थे 65 पॉइंट जो रीजन्स थे हार के, वो उनको दे दिए। और मैं जब बोला तो उसमें कुछ चीज़ें जिक्र कर दिया, तो उस टाइम वो फिर उस बात से लेकर वो गुस्सा खा गए। अच्छा चलो जो उन्होंने बोलना था बोल दिया। उसके बाद घर परिवार ने कुछ कोशिश की बीच में कि रिलेशन ठीक हो जाएं, लेकिन उस पर वो नहीं बड़ी बात, अनफॉर्चुनेटली नहीं बड़ी बात। तो लोगों में
जो मेरे साथ लगे हुए थे, चुनाव में माहौल ही ऐसा होता है, चुनाव के टाइम आदमी थोड़ा दिमाग से जो है ना और ज़्यादा जिसके दिमाग पर दिल पर ठेस लगी हो तो कई बार वो ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं। लेकिन उस टाइम लगे रहे लोग कि नहीं जी फिर तो यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं, जो खुद हरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर लोग ही ताकत थे। तो इसलिए जो है बाद में मुझे जो है जब यह देख लिया मैंने, वरना मैं तो 1977 से लगा हुआ था उनके साथ और बहुत मुझे प्यार मिला, बहुत मुझे मौके मिले जनता की सेवा करने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता, चौरी देवलाल जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बहुत कुछ दिया और मेरे बात की बड़ी इज्जत करते थे। मैं तो छोटा सा था, उनके सामने कुछ नहीं था, लेकिन बाद का माहौल धीरे धीरे ऐसा बनता गया कि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग गया कि संपत कल के लिए तुम्हारे लिए कोई चैलेंज ना बन जाए। अच्छा, ऐसा जबकि था, जबकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में जो पहला पद है स्टेट के अंदर उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा चीफ मिनिस्टर के बारे में। लेकिन कई बार नेताओं को वही बात है कि लोग भर देते हैं कि भाई इसकी कल को ये वो हो जाएगा, कल को ये हो जाएगा, ये पार्टी को काबू कर लेंगे। कौन कर सकता है, मैं कैसे कर जाता पार्टी को काबू? पार्टी तो देखो जो खानदानी के हिसाब से चलती है वो तो खानदानी के हिसाब से ही चलेगी, ब्लड लाइन कोई दोहराई नहीं है। और ये मुझे पहले दिन से पता था, इसलिए मैंने कभी भी इस तरह की इच्छा जाहिर कभी नहीं की। जो काम दे दिया उस काम को काम से काम मतलब होता रखता था। लेकिन खैर उसके बाद वो बात नहीं बनी, नहीं बनी तो अल्टीमेटली मुझे मजबूर होकर जिस पार्टी में मैं 32 साल तक रहा था और बिल्कुल जी जान से बाजी लगा के रहा था और जितनी पार्टी चाहती थी उससे फालतू मेहनत करता था और बदले मुझे मिलता भी था, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वहाँ मुझे कोई दिक्कत रही तो। लेकिन जिस तरह आदमी अपना घर छोड़ के जाता है, परिवार छोड़ के जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तभी आदमी जाता है। चलो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा और मैंने कांग्रेस पार्टी बाद में ज्वाइन कर ली। बाकी सर, अच्छा 2009 में मेरी इच्छा फतेहाबाद से लड़ने की थी क्योंकि मेरा एरिया वही रहा है। 4 बार मैं भट्टू से MLA बना था, 1 बार फतेहाबाद से खुद शहरी सीट से भी जो बाई इलेक्शन जीता था, जो चौबंसी लाल जी जब चीफ मिनिस्टर होते थे।